हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कि बूलियन आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी जिसमें ऑब्वियसली यू विल हैव सम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड ऑल, एंड देयर विल बी बूलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट। अब उसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है ताकि वो उससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। तो उसको लाने के दो तरीके होते हैं, एक है सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉज, एंड दूसरा होता है के मैप। सो के मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो हम करेंगे। बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज क्या है। सो आप यहाँ पे ये टेबल देख सकते हो, दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये 16 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाली है, दिस इज x प्लस जीरो इज इक्वल टू x, मतलब किसी भी वैल्यू में अगर हम जीरो को ऐड करें तो x आता है। कैसे? आपके पास x है, आपने x प्लस जीरो किया, आपके पास आएगा x। क्यों? क्योंकि अगर x वन है तो वन प्लस जीरो गिव्स यू वन, और अगर मैं x की जगह पे जीरो ले लूँ सो दैट विल ऑल्सो गिव मी जीरो। सो मैं वन प्लस जीरो करूँ तो वन आता है, जीरो प्लस जीरो करूँ तो भी जीरो आता है। अगर आप x इंटू जीरो करो तो आपके पास हमेशा जीरो आएगा। सो वन को अगर हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो भी जीरो होगा, जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो भी जीरो होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ में जब हम जीरो को ऐड करते हैं वो चीज़ वही रहती है, किसी भी चीज़ में जब आप जीरो को मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज़ जीरो हो जाती है। सो इट बिकम्स जीरो। ठीक है, दैट्स योर आइडेंटिटी विद जीरो। अब अगर वन के साथ करके देखा जाए, सो लेट्स ट्राई इट विद वन। अगर मैं यहाँ पर एक्स प्लस वन करूँगी तो आंसर विल ऑलवेज बी वन। क्यों? एक्स प्लस वन से क्या होता है, अगर ये जीरो है तो जीरो में वन ऐड होगा तो वन आएगा, वन में वन ऐड होगा तो भी वन आएगा। सो इन बोथ केसेस आई एम गोइंग टू गेट अ वन। ठीक है, तो आंसर वन आना है अगर आप प्लस कर रहे हो वन के साथ। अगर आप एंड कर रहे हो वन के साथ तो आंसर एक्स आता है। सो अगर आपके पास जीरो है और उसे वन के साथ एंड किया जाता है तो आंसर विल बी जीरो। अगर आपके पास वन है और उसको वन के साथ एंड किया जाता है तो विल बी गेटिंग अ वन। सो जीरो एंड वन इज जीरो, वन एंड वन इज वन, सो वी गेट द सिमिलर वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स वाई एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये सारी एक्सप्रेशन हमें काम आती हैं जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो और वन के साथ। अब देखते हैं खुद के साथ क्या होता है। खुद के साथ मतलब अगर मैं एक्स प्लस एक्स करूँ, एक्स को एक्स में ही ऐड करूँ, सो आई विल बी गेटिंग एन एक्स, क्योंकि जीरो प्लस जीरो इज अ जीरो, वन प्लस वन इज अ वन। सिमिलर वे एक्स एंड एक्स इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि जीरो एंड जीरो भी जीरो होता है और वन एंड वन भी वन होता है, सो आपके पास यहाँ पे भी वन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अगर x ज़ीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन होगा, अगर वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, इन एनी केस ऐड करके वन आएगा। सो नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड करेंगे वी विल बी गेटिंग अ वन, लेकिन अगर आप नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग अ ज़ीरो। x एंड x कॉम्प्लीमेंट विल बी ज़ीरो। अब इन्हीं को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सो वी कैन सी कि ए और बी यहाँ पे कॉमन है, सो मैंने ए बी को कॉमन निकाल लिया, बचा मेरे पास सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और ये ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज़ वन, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज़ वन, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब वन से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही चीज़ वापस आ जाती है, सो वी आर गोइंग टू गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसमें से और कुछ कॉमन नहीं निकलता और हम आगे कुछ नहीं बना सकते, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द अबव इक्वेशन। सो ऐसे आपको एक इक्वेशन आ सकती है और आपको कहा जा सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। सो वन वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इज लाइक दिस कि आपको ये आइडेंटिटीज कहीं से कुछ कॉमन निकाल के, कुछ मल्टीप्लाई करके, जहाँ पे भी आइडेंटिटी फिट होती है कीप चेंजिंग द वैल्यूज ताकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाए, उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट। सो ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर आता है। सो ये तो हो गई आपकी बेसिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा ये कुछ लॉज हैं
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि आप 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर तो सेम ही है ना। तो वैसे यहाँ पे 0 प्लस 1 करो या 1 प्लस 0 करो, एक ही बात है। सेम वे एक्स इंटू वाई एंड वाई इंटू एक्स इज द सेम थिंग। देन इट इज़ क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लो, या एक्स और वाई को पहले ऐड करके जेड में ऐड कर दो, यू गेट द सेम थिंग। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड अगर हम करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, x इंटू वाई प्लस जेड अगर आप कर रहे हो तो पहले x y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर x z के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगर x को कॉमन निकाल लेंगे तो वापस यही बन जाता है ना। सो नॉर्मल जैसे मैथ्स में होता था वही चीज़ें हैं। अगर आप x प्लस वाई एंड z कर रहे हो सो इट विल बी x प्लस वाई एंड x प्लस z, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में, जो बच्चे बी सी ए बी टेक कर रहे हैं, जब आपको एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कह सकते हैं कि ये वाली लॉ को स्टेट करो और प्रूव करो। सो यू हैव टू स्टेट अ लॉ एंड यू हैव टू प्रूव इट ऑल्सो। जैसे कि वी हैव अ लॉ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होती है कि हमने लिखा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। कैसे, यू हैव टू प्रूव इट। सो वन वे ऑफ प्रूविंग इज, आप इसको ओपन कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव से। सो दिस विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू एक्स इज वॉट, वन, सॉरी एक्स इंटू एक्स इज एक्स इटसेल्फ, और ये बन गया एक्स वाई। अब इसमें से एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचा वन प्लस वाई। इट इज नॉट इवन वाई भी नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट एक्स। सो एब्जॉर्प्शन लॉ में यहाँ सिर्फ x होता है, ठीक है। सो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, अब बचा 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई इज 1 विच इज इक्वल टू x। तो अगर आपके पास ये सेम ऑपरेटर दो बार, सेम ऑपरेंड दो बार है, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आंसर विल बी ओनली x। सो x इंटू एक्स प्लस वाई इज x। सो वन वे ऑफ प्रूविंग इज विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा कि हमने पहले x इंटू एक्स किया फिर x प्लस वाई किया। x इंटू एक्स इज x प्लस x एंड y आ गया, इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस वाई एंड वी डू लाइक दिस। दूसरा तरीका होता है प्रूफ करने का ट्रुथ टेबल से। आपको कहा जा सकता है कि ट्रुथ टेबल से प्रूफ करो, वो ज़्यादा ईजी है। उसमें दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास तो चार पॉसिबल ऑप्शंस बनेंगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई आया ये, फिर मुझे निकालना है x इंटू एक्स प्लस वाई। तो 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। सो दिस इज सेम एज x। तो आई कैन से दिस इज माई राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, सो दे आर सेम, हिन्स प्रूफ्ड। सॉरी, हाँ ये और ये दोनों सेम है, सो हिन्स प्रूफ्ड, ठीक है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ होती है जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। इसमें अब जो दूसरी लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी है, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करूँगी एंड आई विल शो यू कि हम इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बोथ विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल एज वेल एज एलजेब्रिकली। तो हम इसके दोनों तरीके से प्रूफ करेंगे, एलजेब्रिकली भी और ट्रुथ टेबल से भी। तो होमवर्क क्या है कि एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो दो होती हैं, हमने अभी की ये वाली, ठीक है, और मैंने आपको इसको प्रूफ करके दिखाया। ऐसे ही ये भी होती है, ठीक है, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू शो मी द प्रूफ ऑफ दिस यूजिंग ट्रुथ टेबल एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन। सो दोनों से करोगे आप, ठीक है। और अब आप चेक कैसे कराओगे, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम का जो बी सी ए का ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो ज्वाइन कर लो, इसको सॉल्व करो, उसकी पिक्चर क्लिक करो और मेरे को टेलीग्राम पे चेक करवा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद नंबर सिस्टम्स फर्स्ट, फिर हम के मैप्स पे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्लास। आई होप आज जो हमने किया वो आपको समझ आया। जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशंस दिखाई थी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं,
आप वैसे एक्सप्रेशंस भी ट्राई कर सकते हो, मॉरिस मेनो बुक आपके पास होगी, नहीं है तो मुझे एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देना, आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF ऑन द ग्रुप, आई विल अगेन शेयर इट, सो आप उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. और आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से वी हैव दिस थिंग समथिंग लाइक दैट, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो वही चीज़ है कि इसमें से वाई जेड कॉमन निकल जाएगा, बचेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, फिर ये आ जाएगा, दिस विल बिकम वन, सो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई, इसमें से वाई कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी वाई इंटू जेड प्लस एक्स. सो इस तरह से जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो उसकी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे गिवन हैं फर्स्ट चैप्टर की, सो ट्राई टू सॉल्व दिस, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी लेट मी नो, वो हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे. वैसे भी हर संडे वी विल बी हैविंग अ लाइव क्लास फॉर योर डाउट क्लियरेंस, हर सैटरडे, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, अदर देन दैट यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स जूनियर्स एंड स्प्रेड द चैनल, एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID is there in the description, and I'll see you in the next class. Till then, take care, stay safe.